हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं रात रानी के पौधे के बारे में। ये देखिए, रात रानी की जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह की होती हैं, कुछ थोड़ी सी चौड़ाई में भी होती हैं और लंबी भी होती हैं। तो ये देखिए, रात रानी का पौधा है। इसमें रात को इसकी जो है फ्लावरिंग होती है, कलियाँ खिलती है रात को और सुबह तक वो जड़ जाती हैं। और रात में जहाँ पर आपके ये प्लांट पड़ा होगा पूरे घर के अंदर खुशबू फैला देता है और बहुत ही अच्छा पौधा है ये। आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसके हर्बल यूज़ भी हैं। इसकी जो ग्रीन टी बनती है और काफ़ी अच्छा इसकी खुशबू होती है, अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो बिल्कुल आपके पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू फैलेगी। और क्योंकि देखिए अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो हम इसकी प्रूनिंग भी कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि जितनी इसकी प्रूनिंग की जाएगी उतनी ही इसकी ब्रांचेस डेवलप होंगी। और अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ने देंगे तो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी और अच्छे से ये ठीक नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये इसकी एक ब्रांच काट दी है। उसी तरह से ये देखिए, यहाँ से आप जहाँ देख रहे हैं पत्तियों के, यहाँ से ये जो छोटे छोटे से लीव्स निकल रही हैं, तो यहाँ से कट कर देने के बाद इन फ्यूचर यहीं से ब्रांचेस निकलती जाएंगी और हमारा जो पौधा है वो बुशी बनता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने कट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी मैंने यहाँ से कट किया था तो ये देखिए दो शूट ये निकल गए, और इसी तरह से मैंने यहाँ से कट किया तो एक शूट ये निकल गया, और इसी तरह से यहाँ से कट करने पर इसमें से एक दो और तीन शूट निकले और ये चौथा भी इसमें से निकल रहा है। तो इस तरह से हमारा पौधा जो है पूरा अच्छे से बुशी बनेगा और बहुत ही अच्छा पौधा है ये घर के लिए। इसको हल्की ठंडक पसंद है, यानी कि जो शेड के नीचे आप रख सकते हैं, जो जो नेट ग्रीन नेट होती है उसके नीचे रख सकते हैं। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट से क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है तो गर्मियों में तीखी धूप से इसकी पत्तियां वर्न होने लग जाती हैं, जलने लग जाती हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से कट किया है और इन फ्यूचर ये जो आपको छोटा सा शूट दिख रहा है यहाँ से भी नई जो ब्रांच निकलेगी और इसके हर जगह से ये देखिए हर नोड पर ये नई नई ब्रांचेज इसमें निकलती जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारा पौधा बुशी बन जाएगा।